थे, अपराधी को तो तुरंत मारने चाहिए। आपका बेटा है तो क्या करूँगा मैं, बेटा है तो क्या मरोगे। उज्जैन में हुई नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी ऑटो चालक भरत सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर के सबूत और ऑटो के नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ की थी, लेकिन अब इस मामले में आरोपी भरत सैनी के पिता राजू सैनी का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आरोपी के पिता यानी भरत सैनी के पिता ने कहा, मेरे बेटे को पकड़ना नहीं चाहिए था बल्कि गोली मार देना चाहिए था। पिता ने आरोपी की मां को समझाया कि आज से हमारा लड़का मर गया। उन्होंने बताया कि हमारे घर के अंदर भी दो बहू हैं, वह उनके साथ भी गंदा काम कर सकता था, उसने बहुत गंदा काम किया है। आरोपी के पिता ने बताया कि उन्हें बहुत शर्म आ रही है। आरोपी के पिता ने उसके माँ को समझाया कि उसे अपना बेटा ना कहे, वह उसके लिए मर चुका है। उन्होंने बताया कि ऑटो के पीछे छोटे भाई अर्जुन का नाम लिखा था, इस कारण आरोपी से बचने के लिए उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया था। आरोपी के पिता ने कहा कि उन्हें अगर ये मामला पता होता तो वह खुद ही पुलिस को बुलाकर आरोपी को बंद करवा देते। आरोपी के पिता का कहना है कि उसके बेटे ने उस मासूम बच्ची के साथ जो किया है उसके कारण पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया है। मैं पुलिस से अपने बेटे को गोली मारने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ, उस बच्ची की जगह अगर मेरी खुद की बच्ची होती और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने इस तरह का दुष्कर्म किया होता तब भी मैं यही बोलता। आरोपी के पिता ने कहा, इस तरह का गुनाह जो भी करता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा बेटा किसी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। पहली बार में ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि हमारा बेटा ऐसा कर सकता है। यदि उसने ऐसा किया है तो उसे मर जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस को उसे गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के आरोपी के साथ क्या किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।